नागरिकता संशोधन एक्ट के नाम पर दिल्ली में हुई हिंसा अब थम गई है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर अभी भी दहशत का माहौल व्याप्त है। हिंसा के बाद का मंजर दिल्ली वालों को डरा रहा है। वहीं हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं। दिल्ली की गलियों में सुरक्षा बलों की ओर से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जाफराबाद के बाद वह मौजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बात की। अनिल बैजल ने कहा कि मैं हालात का जायजा लेने आया हूं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने शिव विहार इलाके में हिंसा प्रभावित इलाकों के लोगों को खाना बांटा। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राजधर्म के काम पर लोगों को भड़काने का काम ना करे। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में भड़काऊ बयान दिए थे। दिल्ली हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने बड़ा बयान दिया है। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, अमन शांति के साथ रहना बहुत जरूरी है। पुलिस की ओर से 24 घंटा सुरक्षा के लिए स्पेशल सीपी कानून की अगुवाई में 3 स्पेशल सीपी, 6 ज्वाइंट सीपी, 1 एडिशनल सीपी, 22 डीसीपी, 20 एसीपी, 60 इंस्पेक्टर, 600 जवान, 100 महिला जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही 60 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन का नाम हिंसा में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ताहिर हुसैन के घर पहुंची है। डीसीपी क्राइम की अगुवाई में फॉरेंसिक टीम ताहिर हुसैन के घर पहुंची है। दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर SN श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। SN श्रीवास्तव को पुलिस कमिश्नर बनाने की हरी झंडी गृह मंत्रालय ने दे दी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। युवा शक्ति डेस्क की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।